दोस्तों आप देख रहे हो वहाँ पे, वो देखो वो खड़ी हो गई, ये देखो आप खड़ी हुई है, ये आप देख रहे हो दोस्तों खड़ी हो गई अभी ये। अरे वाह, तो सामने आ गया यार थोड़ा सा। वो उसके बच्चे उठ रहा है, वो उसके कब ये उठ गया है। अरे वाह, अभी ये उठेंगे, अभी ये उठेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो टाइग्रेस के बच्चे, वो आप सामने देख रहे हो, ये कुत्ता हुआ रहा है, ये देखिए ये जा रहा है, ये आप देख रहे हो टाइग्रेस का बच्चा आ गया। अब इसकी मदर भी उठने वाली है, देखिए ये जा रहा है, ये एरो हेड का बच्चा जा रहा है माँ के पास अपने, और ये पानी के लिए बिल्कुल आने वाले हैं। तो दोनों ओपन में आ गए हैं, ये यार दौड़ रहा है, उसको स्लॉट लिया सामने आप देखो। पिछले ना। वाओ, ये देख रहे हो आप क्रोकोडाइल, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मीडियम साइज आप बोल सकते, मीडियम साइज ये छोटा ही है। रणथंभौर की खासियत है यार कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी पानी होता है ना तो इसमें क्रोकोडाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो कि कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे क्रोकोडाइल। हाँ काफ़ी चल भाई आगे चलना है, निकल रहा है, काफ़ी रेयर साइटिंग होती है इसकी। तो दोस्तों देख रहे हो जैकल बिल्कुल रोड पे ही है, इसकी काफ़ी रेयर साइटिंग होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घुमक्कर सैर। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रणथंभौर, और इस ब्लॉग में दोस्तों हम रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी करने वाले हैं। देखिए अभी देखिए आप देख रहे हो दोस्तों कैंटर सफारी सारे अभी स्टार्ट हो गए हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने सफारी का, आते ही हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा, वो भी देखना पड़ रहा है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं, और साथ में हम लोग रणथंभौर नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। वॉर इट फॉर इट, दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं रणथंभौर नेशनल पार्क के एंट्री गेट पे, और यहां से एंट्री होती है चेकिंग करने के बाद। तो आप देख रहे हो चेकिंग हो रही है एक एक करके, तो चेकिंग के बाद अब यहां से जंगल में एंट्री हो जाएगी। और यहां आप देख रहे हो कार्यालय यहां पर लिखा हुआ है, रणथंभौर नेशनल पार्क का मेन जो एंट्री गेट है वो यहाँ से होती है। दोस्तों अभी हम नेशनल पार्क के अंदर इंटर कर गए हैं एंट्री करने के बाद। आप कभी कभी देखिए ऐसे रास्ते में भी टाइगर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल जाते हैं, अगर गर्मियों के दिन में आपको यहाँ भी मिल जाते हैं टाइगर, लेकिन अभी ठंडी में तो पानी की कमी होती नहीं है अभी मानसून के बाद, इसलिए ऐसे रोड पर काफ़ी कम ही मिलते हैं। बाकी देखिए जंगल का कुछ कहा नहीं सकता, जंगल तो लक बाई चांस से ही चलता है मामला, आपका लक होगा तभी टाइगर साइटिंग होती है जंगल में, तो ऐसा मामला होता है। मानसून के बाद क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से खूबसूरत काफ़ी हो जाते हैं ये बराबर। आप हमारे लास्ट ब्लॉग देखे होंगे रणथंभौर का, तो उसमें भी आपने देखा होगा उस टाइम इतना ग्रीनरी नहीं था, क्योंकि वो गर्मियों का दिन था, गर्मियों में उतना नहीं होता है। बाकी अभी आप देखें मानसून में तो ऐसा ही रहता है, काफ़ी सीनरी काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों अब हम जोन टू में इंटर कर गए हैं, और उम्मीद है टाइगर साइटिंग इसमें देखने को मिलेगा। स्पॉटेड डियर बिल्कुल रोड पे ही है, और ये अलार्म कॉल देते हैं टाइगर जब भी आसपास होता है इनके, तो ये काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं। स्पॉटेड डियर आपको अक्सर झुंड में मिलेंगे, सिंगल काफ़ी कम ही मिलता है। बार्किंग डियर आपको सिंगल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बार्किंग डियर अक्सर अकेला ही रहता है, और उसकी साइज भी काफ़ी छोटा होता है। ये आप देख रहे हो इस साइड भी स्पॉटेड डियर है, तो इनमें और
बार्किंग डियर में ये है कि ये जो है ये झुंड में हमेशा रहते हैं, और बार्किंग डियर हमेशा अकेला रहता है मैक्सिमम। अभी चलते हैं आगे, टाइगर की तलाश अभी भी जारी है। तो देख रहे दोस्तों, जैसे कि देखिए इस जोन की सारी गाड़ी ये लंबी लगी हुई है, जीप हो या कैंटर हो, और सभी वेट कर रहे हैं टाइगर का। यार शोर मत करो यार तुम लोग। अरे भाई, तो दोस्तों देख रहे हो फाइनली टाइगर देखिए वहाँ पर है, आप सामने देख रहे हैं टाइगर, और अभी इसको हम पास से भी देखेंगे। अभी देखिए ये वहाँ पे एक साथ दोस्तों चार टाइगर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एरो हेड है और उसके साथ में उसके तीन बेबी है, बेबी कब तीन है वहाँ पे उसके, तो आप साथ में चार देखोगे टाइगर, और काफ़ी अच्छी सेटिंग होने वाली है। अभी उसके बच्चे देखो पास में आ गया है। इसके कब काफ़ी छोटे छोटे हैं यार, ये कितने महीने के हैं इसके बच्चे? चार पाँच महीने के हैं। नहीं यार बहुत छोटे हैं यार ये, इसके बच्चे टाइग्रेस के घूम रहा है यहाँ पर, और ये साथ में दो आप देख रहे हो, दो ही है, तीसरा बैठा हुआ है, वो उधर आ गया यार, ओपन में आ गया, थोड़ा सा आगे लेना भाई उधर से क्या पता आ जाए। इसके बच्चे भागे अभी, वो आगे जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है? अगर वो बुलाएगी बैठ गई वहाँ पे। वो कितने छोटे छोटे हैं यार दोस्तों, देख रहे हो वो टाइग्रेस के बच्चे जा रहे हैं, दोनों तीन है। अभी देखो ये तीनों साथ में जा रहे हैं। अब वहाँ पर देखिए उस तरफ में काफी रेयर सेटिंग होती है इसकी। तो दोस्तों देख रहे हो जैकल बिल्कुल रोड पे ही है, इसकी काफी रेयर सेटिंग होती है, काफी रेयर सेटिंग होती है इसकी। ये भागे जा रहा है बिल्कुल रोड पे भाई साहब, आवाज करो तो कुछ नहीं दिखेगा भाई, यार भागे जा रहा है ये तो, अंदर चला गया। बस 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 यही रुक, यही रुक आगे, ये रहा वो भागा। अरे यार निकल गया उधर से, देखो उधर ही वापस निकल गया, हम लोग जिधर से आए हैं। ये आप देख रहे हो स्लॉट भी आ रहा है सामने, ये इधर देखिए स्लॉट भी आ गया, ये आप देख रहे हो स्लॉट भी आ सामने। ये जितने स्पॉटेड डियर हैं सारे अलर्ट हो गए हैं, उधर को निकलने लगा क्या यार? ये आगे उधर निकलेगा, ये सामने आप देख रहे हो शाम्बर डियर मेल, ये एशिया का सबसे बड़ा डियर है। इसकी सिंग जो देख रहे हो ये नई नई सी ही लग रही है, बेल बेटे धीरे धीरे सब कर लेंगे पेड़ों पर। व्हाइट कलर का भी है, व्हाइट वाला व्हाइट इग्रेट है, ब्लैक वाला ब्लैक कॉर्मोरेंट है। दोस्तों हमने काफ़ी टाइम तक एरोहेड का वेट किया, लेकिन टाइगर्स वापस नहीं आए, और तभी हमारा टाइम हो गया वापस निकलने का जंगल से। तो आज का दोस्तों सफ़र बेहतर था, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए जगह पर नए ब्लॉग में। जय हिंद।